कृषि प्रसार को मजबूत करते हुए रबी एवं खरीफ मौसम से पूर्व कृषि विभाग बामेती द्वारा खरीफ अभियान एवं रबी अभियान रथों का गांव तक परिचालन किया जा रहा है। वहीं दोनों मौसम में किसान चौपाल नुक्कड़ नाटक के द्वारा किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। कृषि विभाग के द्वारा आधार से प्रमाणित किसानों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके तहत 1,90,00,000 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। डीबीटी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ इनके खाते में पहुंचाया जा रहा है। कृषि के साथ साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन प्रक्षेत्र का भी विकास हुआ है। कृषि रोडमैप के क्रियान्वयन से पहले राज्य का मत्स्य उत्पादन 2.88 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर वर्तमान में 7.62 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। वहीं दुग्ध उत्पादन वर्ष 2008-09 की अवधि में 5,994,000 मीट्रिक टन था, जो बढ़कर वर्ष 2020-21 में 11,502,000 मीट्रिक टन हो गया है। कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए 100 से अधिक आबादी वाले अनजुड़े 28,869 बसावटों को संपर्क पथ से जोड़ने का कार्य किया गया है। सभी निजी नलकूपों को बिजली से चलाने के लिए 1,354 पृथक कृषि फीडर का निर्माण किया गया है एवं 2,59,745 नए ग्रामीण विद्युत संबंध कृषि कार्यों एवं सिंचाई के लिए प्रदान किए गए। 81,243 नए लघु जल संसाधन इकाइयों का निर्माण कर 4.827 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएं विकसित की गई। साथ ही 3,146 इकाइयों का पुनर्स्थापन कर 2.486 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएं स्थापित की गई। जल संसाधन विभाग द्वारा 3.34 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। राज्य के 20 जिलों की 300 से अधिक सहकारी समितियों के 32,411 सदस्य सब्जी का फेडरेशन बनाकर तरकारी ब्रांड से सब्जी उत्पादन एवं विपणन कर रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार भूमि पोर्टल की सुविधा देकर किसानों के लिए ऑनलाइन दाखिल खारिज, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र, मानचित्रों एवं राजस्व न्यायालय के लिए आवेदन से लेकर निष्पादन तक को पारदर्शी एवं सरल किया गया है। उद्योग विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र में SIPB अंतर्गत 93.38 करोड़ रुपए निवेश कर 2.08 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष प्रसंस्करण क्षमता वाली 4 मक्का प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई, जबकि भंडारण क्षमता के विकास के लिए 155.50 करोड़ का निवेश कर 3.26 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता के 27 गोदाम और कोल्ड स्टोरेज इकाइयां स्थापित की गई। कृषि रोडमैप की ही देन है कि गन्ना चीनी मिलों की पिराई क्षमता 33,500 TDC से बढ़कर 62,950 TDC पहुंच गई। चीनी का रिकवरी दर 9.47 से बढ़कर 10.31% हो गया है। राज्य में वन वृक्ष आवरण का प्रतिशत 14.75% हो गया है। सही अर्थों में कृषि रोडमैप के सृजक एवं प्रणेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। अभी भी किसानों के हित में कार्य करने की आवश्यकता है। इसी दिशा में आज के दिन चतुर्थ कृषि रोडमैप के लिए पुनः आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों के सुझावों को समाहित करने के लिए किसान समागम 2023 का आयोजन किया गया है। धन्यवाद।